बता दें कि आज दिनांक 19 अप्रैल को आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की प्रक्रिया जारी हुई। इसी का जायजा लेने हमारे संवाददाता जगह जगह पर घूम रहे थे। अतरौलिया के कई बूथ पर हमारे संवाददाता पहुंचे और वहां की वर्तमान स्थिति को देखकर कैमरे में कैद किया। स्थिति ये थी कि जहां पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोरोना की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, तो वहीं कई लोगों बिना मास्क लगाए भी नजर आए। मतदान करने आए लोग, वहीं पर कई प्रशासनिक कर्मचारी भी बिना मास्क के नजर आए। क्षेत्र के भरसानी चतुरपुर सुखीपुर में जमकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। क्षेत्र के भरसानी चतुरपुर सुखीपुर महादेवपुर गंगापुर पानापार अनंतपुर बढ़िया एदिरपुर में वोटरों के लिए किसी प्रकार के टेंट की व्यवस्था नहीं की गई और उन्हें धूप में खड़े रहकर वोट डालना पड़ा। अब आपको कुछ बूथों हुए मतदान का लेखा जोखा बताते हैं। क्षेत्र के भरसानी ग्राम सभा में 3 बजे तक बूथ संख्या 176 पर 261 वोट और बूथ संख्या 170 पर 304 वोट पड़े हैं। वहीं यहां पर कुल वोटरों की संख्या 914 है। चतुरपुर में शाम 5:30 बजे तक कुल 2307 वोट में से 1442 वोट पड़े। सैनपुर में शाम 5:30 बजे तक कुल 1327 वोट में से 1000 वोट पड़े हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 10% ज़्यादा रहा है। सुखीपुर में शाम 5:50 पर कुल 2081 वोट में से 1500 वोट पड़ा है। बनवारी पट्टी में 1 बजे तक कुल 1278 वोट में से 544 वोट पड़ा है। महादेवपुर में 1:30 पर कुल 1151 वोट में से 421 वोट पड़े हैं। गंगापुर पानापार में 1 बजे तक कुल 994 वोट में से 504 वोट पड़े हैं। अनंतपुर में 1 बजे तक कुल 1888 वोट में से 779 वोट पड़ा है। बढ़िया में 1 बजे तक टोटल 2410 वोट में से 865 वोट पड़ा है। पेड़ा में 3 बजे तक कुल 2033 वोट में से 974 वोट पड़ा है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।